आंटी जी नमस्कार। नमस्ते। क्या करेंगे, उठाए हैं? गाय को देंगे। गाय को देंगे? ओह, केरल तक घूम लिया? घूम लिया। नहीं नहीं, इसको कौन सा सेब बोलते हैं? तो लोकल तो शक्कर कुसु बोलते हैं। शक्कर कुसु। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज हमारा पूरा हो चुका है 237 दिन। जी हाँ, 237 दिन आज शुरू होने वाला है, मतलब पूरा हो चुका है। और कल रात हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा में रुके थे, यहाँ पर रुकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया था, लेकिन किसी भी तरीका से रिक्वेस्ट करके रुक गए थे। और ये है पार्किंग का एरिया पत्थर साहिब गुरुद्वारा का, और ये है गुरुद्वारा, ये आर्मी लोगों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ये है फील्ड। तो साइकिल वाइकिल रेडी है, फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, चाय वाय भी यहाँ पे मिल ही गया था, चाय बिस्किट खा लिए। तो जय श्री राम का नाम लेते हैं, अपने राइड को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, जय श्री राम। ये बहुत ही मस्त व्यू पॉइंट है, ये है संगम व्यू पॉइंट। एल्टीट्यूड है 10,657 फीट। अभी हम 10,657 फीट की ऊंचाई पे हैं, और यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। इधर देखिए, ये नदी आ रही है इंदूस रिवर, और इधर से जो नदी आ रही है जनसकार नदी, और यहाँ पे संगम हो करके और ये जा रही है अपने अलग रास्ते। ये जो नदी का रास्ता है, ये जाएगा हमारा श्रीनगर, और ये लेह से आ रहा था। तो अच्छा व्यू पॉइंट है।
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सनलाइट जो है ना बहुत तेज है। हालांकि इस धूप में थोड़ा सा चलने पे, एक्टिविटी करने पे हवा जो है धूप का असर नहीं होने देता है, लेकिन अगर स्किन को खुला रखा जाए ना, आधा घंटा इस तरह से रख देंगे तो आपका स्किन ब्लैक हो जाएगा कुछ न कुछ। और साथ साथ में देख सकते हो भाई कितना ऊंचाई है, अभी तो कितना फीट ऊंचाई को पार कर लिए हैं और अभी इतना और ऊंचाई को चलना है। तो पहाड़ों में यही होता है, नज़ारे देखने के लिए तो खूबसूरत मिलते ही हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है साइकिलिंग में दोस्तों। तो दोपहर के 2:30 हो चुका है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से हम नीचे आ गए हैं, फिर भी ये इस गांव का ऊंचाई है 11,500 फीट के आसपास में, और इस गांव का नाम है ससपोल। और यहाँ पे सेब का पेड़ देखने को मिला है, सेब का पेड़ देखने के लिए मिला है, सेब है बहुत सारा, सेब ज़मीन पर भी गिरा हुआ है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं सेब के बागान में, सेब का पत्ता भी आप देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, और देखिए कोई कोई सेब लाल भी रहता है हल्का हल्का, बाकी सब। ये आंटी जी नमस्कार, नमस्ते झूले। ये अभी कितना दिन का हुआ है ये सेब, तो बहुत फ्रेश हो गया था मतलब ये कितना दिन में इतना बड़ा हुआ? अभी तो 2-3 महीने, 2-3 महीने में इतना ही बड़ा हुआ? और बड़ा नहीं होता, ये मीठा होता है बस, इससे बड़ा थोड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो ये कितना दिन में तैयार हो जाता है सेब? अभी तो अगस्त में तैयार होता है, 4 महीने में। ओह देख सकते हैं आंटी जी यहाँ पे इतना सारा उठा भी लिए हैं, तो इसको उठाए हैं आप क्या करें, इसको क्या करेंगे, उठाए हैं गाय को देंगे। ओह तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सेब गाय को दिया जाता है, और सेब ये एक चीज़ और है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं, खुबानी, इसको भी गाय को देंगे कि बेचेंगे? गाय को देंगे। ओ, कोई कोई इसमें ठीक होगा? कोई कोई ठीक होगा, वो सुखा के रखना है सर्दी के लिए। ओ ये तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा यही है ये तोड़ तोड़ के खाएंगे तो अच्छा रहेगा ना? ये अच्छा है, सबसे अच्छा है, मीठा है, बहुत मीठा है। वाह बहुत मीठा। आप कहाँ कहाँ घूमे? हम तो केरला तक घुमाए, केरल तक घूम लिए? हाँ घूम लिया। अच्छा वाह आंटी जी वाह, आप तो कमाल कर दिए, पूरा हर तरह का साउथ इंडिया वगैरह देख लिए ना। सर्दी में घूमने गए होंगे क्या? घूमने किया सर्दी में, केरला में गर्मी रहता है, सर्दी में बहुत गर्मी रहता है उधर, बहुत गर्मी रहता है। मैं भी गया, मैं आधा इंडिया घूम लिया हूँ, 2-3 दिन में 2-3 बार नाना पड़ता है ना। ओ देखो नेपाल ये सेब है, ये छोटा ही होता है, खुबानी सेब बोलते हैं। ये खुबानी तो ये नहीं, इसको कौन सा सेब बोलते ये हैं तो लोकल? लोकल तो शकर कुशु बोलते हैं, साकर कुसु हाँ। नाम थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है, मीठा सेब है ना ये, एक्चुअली छोटा वाला सेब है, छोटा प्रजाति का। ये तैयार हो चुका है, गिर चुका है, इसको नहीं तोड़ने पर गिर चुका है खूब, इतना बड़ा ही होता है सेब। तो दोस्तों आपने देखा सेब का बगीचा, तो थैंक यू झूले। ससपोल गांव में चलते चलते बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिला, चलिए आपको दिखाते हैं। ओ भाई ये देखो, पानी इतना साफ है कि इसको पी सकते हैं, मुंह धो लेते हैं। ओ भाई देखो क्लियर पानी, वाह वाह।
अच्छा पानी है। ठंडा मस्त और बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब अच्छा, जूता ना भींग जाए, यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं। पानी अच्छा था यहाँ, यहाँ पे एक्चुअली स्नान भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। दोस्तों तो बहुत दूर चलते चलते उसी गांव में एक होटल मिला है, तो होटल में आए खाना खाने के लिए। ये है खाना, दाल चावल, पता नहीं कौन सा सिस्टम है, मुझे तो लग रहा है थोड़ा कॉस्टली है, अभी पता नहीं, खा लेते हैं। और क्योंकि खाना खाना ज़रूरी है, बहुत देर के बाद एक दुकान मिला। दोस्तों तो खाने का लग गया 120 रुपया, एक कटोरी चावल एक कटोरी दाल, अभी तक सही रेट मिला नहीं है। सही रेट मेरा मान के चलो तो वो जो दिया था उसका 50-60 रुपया सही रेट मेरे हिसाब से लगता है। और अब जो है ना, कुछ देर पहले तो बहुत ज़्यादा ढलान में आए थे, मज़ा आ रहा था, लेकिन अब चढ़ाई आ गया है और सीन है सब। देखिए आप, ये चढ़ाई अब आ गया है, अब इसको किसी भी तरीके से पार करना है। और नेक्स्ट जो विलेज है वो 22 किलोमीटर है। चढ़ाई वाले रास्ते में एक दिन में अभी तक 40 किलोमीटर चल चुके हैं। 40 किलोमीटर चलना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन 40+22 और चलना होगा। देखते हैं अगर रास्ते में कुछ मिल गया, अंधेरा हो गया तो वहीं रुकेंगे। समय अभी तो हो गया है 4:19, यहाँ 7:30 बजे तक लाइट रहता, तब तक चल सकते हैं। चलो चलते हैं। फाइनली 7:04 हुआ है और हम एक विलेज में इंटर हुए हैं, जिस विलेज का नाम है कुरला। कुरला विलेज है, इसके बाद नेक्स्ट जो विलेज है पता नहीं कब आएगा, तो यहीं पे रहने का स्टे करने का जगह देखना होगा। और अभी जगह ढूंढते ढूंढते 7:30 बज चुका है। बहुत छोटा सा गांव था, आगे बढ़ गए थे फिर पीछे आए। बहुत छोटा सा गांव है, निमिया नाम है। और ये देखिए, ये एक पेड़ है फल का, इसके नीचे थोड़ा सा जगह है, तो बहुत ये करने के बाद ये जगह मिला, तो यहाँ पे कैंप लगा लेते हैं। दोस्तों तो फाइनली टेंट लगा के टेंट के अंदर आ चुके हैं, खाना भी खा लिए हैं। खाना थोड़ा सा यहाँ पे महंगा पड़ा, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक ही होटल दिखा, 160 रुपया का दिया फ्राइड राइस, सबसे सस्ता में वही था, तो वही खा लिए हैं, सो जाते हैं। और आज तो लगभग मैंने 50+ किलोमीटर डिस्टेंस किया पहाड़ी रास्तों में, जहाँ 20-30 किलोमीटर होता है, तो आज बहुत मेहनत किया है, नींद आ रहा है तो सो जाते हैं। आई होप कि आपको लद्दाख सीरीज वाला वीडियोस बहुत अच्छा लगा हो। अभी भी लद्दाख का पहाड़ी सब है पूरा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मिलते रहेगा, एक से एक चीज़ आते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।